हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं वो आंकड़ा देश के सामने रखने का समय आया तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। भाइयों और बहनों एक बात समझिए, हिंदुस्तान को एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 अफसरों के साथ मिलकर चलाते हैं। आपने ताली बजाई मतलब आप गहराई समझ गए बात की। मतलब सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी जी और 90 लोग आईएएस के अफसर, आईएफएस के अफसर, ये लोग चलाते हैं। अब मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी से पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हो, मुझे बताओ 90 अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं। नरेंद्र मोदी उस दिन से ओबीसी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिए हैं। आज इतनी शर्म की बात है, आज प्रधानमंत्री देश को कहता है कि ओबीसी शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, हिंदुस्तान में जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों की क्या जात है, गरीब दलित हैं, गरीब पिछड़े हैं, गरीब आदिवासी हैं, ये गरीब हैं। आप शब्दों के पीछे मत छुपो, आप देश को बताओ जाति जनगणना कब करने जा रहे हो। अब भाइयों और बहनों 90 लोग इस देश को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी और 90 लोग, प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं। आप देख लीजिए, आपको एक ऐसा नहीं ऐसा दिन नहीं मिलेगा पिछले 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी ने एक कपड़ा दो बार पहन लिया हो, मुझे दिखा दो। नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, 10 साल में उन्होंने एक कपड़ा दो बार नहीं पहना। आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसने 10 साल हर रोज अपना कपड़ा बदला हो? एक व्यक्ति है यहां पे? एक नहीं है। भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी और 90 लोग इस देश को चलाते हैं। बजट का हर एक रुपया, हर एक पैसा नरेंद्र मोदी और ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। आदिवासियों के लिए कितना पैसा आएगा, 90 लोग नरेंद्र मोदी। आपकी शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, 90 लोग नरेंद्र मोदी। सेना को कितना पैसा मिलेगा, 90 लोग नरेंद्र मोदी। पीने के पानी में कितना बजट का पैसा जाएगा, 90 लोग नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी पूछ रहा है 90 लोगों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और जैसे मैंने यह सवाल पूछा नरेंद्र मोदी कहता है जाति कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों 90 में से 3 ओबीसी, 3 आदिवासी। फिर से सुन लीजिए, 90 में से 3 ओबीसी, 3 आदिवासी। और मजे की बात सुनिए, अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च किए जाते हैं, 100 में से 5 रुपए
का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। हिंदुस्तान की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर सिर्फ 5% बजट का पैसा के बारे में निर्णय लेती है। अब यहां पे ओबीसी लोग युवा चौंक गए होंगे, हमारी आबादी 5% तो नहीं है, ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है। तो अगर ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है तो फिर उनकी हिस्सेदारी 5% क्यों है? नरेंद्र मोदी जी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आदिवासियों की आबादी 12%, भाइयों और बहनों आदिवासी युवाओं, आप जानते हो कि 90 अफसरों में से वो जो 3 आदिवासी अफसर है वो हिंदुस्तान के बजट का कितना निर्णय लेते हैं? मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूं ये शर्म की बात है, ये आदिवासियों पर अपमान है। भाइयों और बहनों, आदिवासी युवाओं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें से आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर डिसाइड करते हैं, मतलब 0.01% बजट का आप लोग डिसाइड करते हो। अब जैसे ही मैंने ये बात उठाई, आदिवासियों को वनवासी कहने वाले लोग एकदम कहते हैं इस देश में कोई जात नहीं, इस देश में सिर्फ गरीब है। भाइयों और बहनों, वनवासी का मतलब जानते हो आप? कोई बता सकता है मुझे यहां पे वनवासी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? अच्छा, आदिवासी का क्या मतलब होता है? बताइए बताइए, आप बताइए, आदिवासी का क्या मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं, आदिवासी का मतलब, और आदिवासी युवाओं को यह अच्छी तरह सुनना चाहिए, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरी जमीन दिख रही है आपको, ये जो जमीन है ये सबसे पहले आदिवासी वर्ग की जमीन हुआ करती थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, इस शब्द के अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब इस जमीन पे, इन जंगलों पे, जल पर आदिवासियों का पहला हक बनता है। सही बात, मतलब पहले मालिक आप। अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नया शब्द पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हैं, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, मध्य प्रदेश वाला देखा आपने,
जिसमें बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है, आपने देखा है? देखा ना? उस वीडियो को बीजेपी के लोगों ने वायरल किया, वो वीडियो दिल्ली तक पहुंच गया था, मैंने देखा उसको। भाई और बहनों, आपने किसी बीजेपी के नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा, मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए मैंने देखा है। ये लोग कहते, इनके दिमाग में बात यह है, ये सोचते हैं कि आपकी जगह जंगल के अंदर है और आपको जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और फिर 24 घंटा ये आपके जंगल को उठा के अदानी को देते हैं। 20 साल में जंगल खत्म हो जाएगा, आपको कहेंगे भैया आप तो जंगल के हो, आपकी तो कोई जगह ही नहीं रही, चलो आओ शहरों में भीख मांगो। हमने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा दिया है। क्यों बिछाया? हम कहते हैं आदिवासी युवाओं को, ओबीसी युवाओं को, दलितों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी सीखनी चाहिए। अब आप पूछोगे भैया तीन भाषा क्यों, एक भाषा से हमारा काम हो जाएगा? नहीं भाइयों और बहनों, पहली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में आपको व्यापार करना हो, छत्तीसगढ़ में आपको किसी से बात करनी हो, छत्तीसगढ़ी काम आएगी। आप यूपी गए, दिल्ली गए, बिहार गए, वहां पे हिंदी चलेगी, सही बात है। मगर मजे की बात सुनो, और मान लो अगर आदिवासी बच्चा या ओबीसी बच्चा कहे कि यार मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूं, मैं तो अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूं, या मैं कंपनी खोलकर अमेरिका में अपना माल बेचना चाहता हूं, तो कौन सी भाषा चलेगी भाइयों बहनों? हिंदी चलेगी? छत्तीसगढ़ी चलेगी? अंग्रेजी चलेगी? तो हम कहते हैं हिंदी सीखनी है सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो, अंग्रेजी सीखो। वो कहते हैं जंगल में रहते हो, अंग्रेजी की क्या जरूरत? ये फर्क है। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई भी सपना देखें उसको वो पूरा कर पाए। हम चाहते हैं कि आदिवासी बच्चा एक दिन हवाई जहाज को देखे और कहे कि भाई मैं पायलट बनना चाहता हूं, मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूं, और उसको वो मौका मिले। बच्चा एक दिन कहे मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं, कंपनी खोलना चाहता हूं, सपना पूरा हो। आदिवासी बच्चा कहे, पिछड़ा बच्चा कहे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, दलित बच्चा कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, सारे के सारे सपना पूरा कर पाए। बीजेपी चाहती है, अच्छा मजे की बात सुनो, बीजेपी नेता आते हैं आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों अंग्रेजी मत पढ़ो, छत्तीसगढ़ी मत सीखो, हिंदी पढ़ो। आप एक दिन काम करो,
खैर मिलते तो आपसे हैं नहीं, मारे एक बार कोई बीजेपी नेता हाथ आ जाए तो उससे पूछना, भैया एक बात बताओ, आप हमें कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, हमें हिंदी सीखनी चाहिए, आपके जो बच्चे हैं क्या वो हिंदी मीडियम में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम में जाते हैं? पता लगेगा सारे के सारे बीजेपी के नेता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, अमेरिका में जाके यूनिवर्सिटी करते हैं, लंदन में जाके पढ़ाई करते हैं और वहां पे व्यापार करते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ओबीसी बच्चे दलित बच्चे को यह मौका ना मिल जाए। यह उनमें हम में फर्क है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो समय आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर गोली चलती थी, जब आपके बच्चों को इनकाउंटर किया जाता था, आपको याद है वो समय जब बीजेपी का यहां राज था? बीजेपी का राज था तो तेंदुपत्ता कितने का मिलता था, कितने का देते थे आप? 2000 रुपए का। आज कितने का है? 4000। और हम आपको 4000 रुपए बोनस देने जा रहे हैं उसके लिए। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, नहीं आपने क्या कहा शब्द, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी बोली ना, मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है,